गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आज है दिन वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा था सुबह का 6:30। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय अर्ली मॉर्निंग रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो फुल वॉच करते रहना। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मेरा मॉर्निंग का जो काम है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो पहले उठ के मैं फ्रेश होकर गर्म पानी लेके उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। तो पूरी घर पर मेरा झाड़ू लगाना भी हो गया है और मेरे मम्मी और सासू माँ दोनों ही कहते हैं कि पहले घर पे झाड़ू लगाना चाहिए। इसके लिए मैं पहले पूरी घर पे झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ। यहाँ जो कपड़े आप लोग दिख रहे हो ये कल रात को ही मैं ठीक करके रखी थी कि आगे मुझे वॉश करना है। यहाँ दो टाइप का कपड़े हैं, एक बेडशीट वगैरह है जो मैं गर्म पानी पर भिगो के रखूँगी और डेली वेयर के लिए जो कपड़े हैं वो मैं ठंडा पानी में सर्फ दे के भिगो के रखूँगी। और ये सब भिगोने के बाद मैं जाऊँगी बिस्तर भी क्लीन करना है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ भिगो के रख रही हूँ और नहाने के टाइम में ये सब मैं वॉश कर लूंगी। हे गाइस, तो कपड़े भिगोने हमारा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम पे। और यहाँ पर देख रही हो आप लोग, ये जो कल का कपड़ा था वो सूख गया था, फोल्ड करना बाकी था, तो अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ। और बेटू और हस्बैंड दोनों ही उठ गया था, तो हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी और बेटू के लिए बॉर्नविटा, और मैं भी चाय पी के फिर आई हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और अभी ये कपड़े मुझे फोल्ड करना है और बिस्तर भी क्लीन करना है। और बिस्तर का हालत आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही बुरा है। तो इस रूम पर तो अभी हम लोग नहीं सोते हैं, बट कभी कभी दोपहर के टाइम में मैं सो जाती हूँ तो बेटू आके इतना मतलब हालत ख़राब कर देता है। और ये आप लोग देख रहे हो, ये मेरा छोटा वाला अलमीरा है। अभी तो हम लोग अलमीरे नहीं खरीदे हैं, जब हम लोग रेंट पे थे घर पे, मतलब 4-5 साल पहले ये अलमीरा खरीदे थे, तो वही अलमीरा हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए अभी बिस्तर को क्लीन कर लेते हैं और ये अलमीरा एक दिन मुझे क्लीन भी करना है और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस, तो बेडरूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन पे और अभी मैं वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है हस्बैंड का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो वो ड्यूटी नहीं गया, तो उसके लिए मैं उसका जो है ना थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया था और हार्ट बीट इरेगुलर हो गया था, तो अभी थोड़ा ठीक है। तो उसके लिए मैं एकदम हल्का सा खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए, पपीता, गाजर, आलू, ये सब दे के ना एक फिश करी बनाऊँगी मैं पतला सा, तो वही मैं कट कर रही हूँ। और अभी मेरा पोछा लगाना नहीं हुआ है, तो ये सब करने के बाद मुझे घर पे पोछा भी लगाना है और जो जो कपड़े मैं भिगो के रखी थी सुबह वो भी मुझे क्लीन करना है। अभी शायद 10 बज रहा होगा, तो चलिए मैं फटाफट ये वेजिटेबल्स को काट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं अब बातें करती हूँ। पूजा भी हो गया है और जो कपड़े मैं सुबह भिगो के रखी थी वो छत पे देख के आई हूँ। और अभी दोपहर का लंच पकाना है। आज ब्रेकफास्ट में हम लोग मुड़मुड़े खा लिए थे, कुछ पकाने का मन नहीं है। वैसे भी हस्बैंड का तबीयत खराब है, इसीलिए मन ठीक ठाक नहीं है। वो भी पूरा दिन मतलब सोया रहता है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए कुछ पकाने का मन भी नहीं करता है। तो लंच पे आज सिर्फ एक पतला सा फिश करी बनाऊंगी, वो वेजिटेबल्स देके, जो वेजिटेबल्स मैं पहले कट करके रखी थी वही देके बनाऊंगी। और राइस बनाना है, बस यही होगा आज का लंच। और अभी नहाना पूजा सब कुछ हो गया है, तो चलिए फटाफट लंच बना लेते हैं और एक बार देख के आती हूँ बेटू क्या कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये चुप रहा है, चुप। क्या हुआ बाबू? अभी चुप जाती। क्या नो? चुप जाती। तो
चलिए फटाफट लंच बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बंगाली में चारा पोना बोलते हैं, तो इसका ही फिश करी बनाऊंगी मैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी देके मैरिनेट करके रखी थी, उसके बाद फ्राई कर लूँगी। और हस्बैंड का एसिडिटी का प्रॉब्लम मैंने बोला है, तो इसके लिए एकदम पतला सा करी बनाऊंगी मैं। और आज हम लोगों का होगा एकदम बेसन वाला खाना, तो चलिए यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। और मतलब तबीयत जब ख़राब होता है ना, तो गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होते हैं, तो माँ भी और सासू माँ दोनों सभी बोलते हैं कि पतला सा एकदम खाना खाने के लिए, रिच खाने से और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। तो स्पेशली मैं हस्बैंड के लिए ऐसे ही खाना बना रही थी, तो हम लोगों के लिए भी बना दूंगी। तो चलिए यहाँ पर फिश जो है फ्राई करना हो गया है, राइस भी हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए उस ऑयल में हम डाल रहे हैं टोमेटो, यहाँ पर ना ऑनियन भी नहीं दूंगी और गार्लिक भी नहीं दूंगी, सिर्फ मैं जिंजर दे के बनाऊंगी। और एकदम हल्का सा होगा जिंजर टोमेटो, और उसके साथ सिर्फ जीरा पाउडर देके बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो जाने के बाद, मैं पपीता आलू गाजर ये सब को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और जिंजर देके थोड़ा सा मैं भून लूँगी, और भून लेने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। और सॉल्ट देने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा ही कश्मीरी पाउडर दिया था। और यहाँ पर देखिए एक हरा मिर्च ऐड कर रही हूँ, तो एकदम हल्का सा ही बनेगा ये खाना। और यहाँ पर देखिए ये तो मसाला देके मैं थोड़ी देर भून लूँगी, और ये भून लेने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गर्म पानी। और गर्म पानी देने के बाद मैं इसे बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये जो है ना एकदम हल्का सा बना था और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट के बाद वेजिटेबल्स जो है हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो अभी मैं ये फिश दे के थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। तो फिश दे के बस 2-4 मिनट ही पकाना है, तो रेडी हो जाएगा हमारा प्रेसेंट वाला एकदम हल्का सा करी। गैस तो लंच हमारा बन के रेडी है, और आज लंच पे तो आप लोगों ने देख ही लिया है, एक फिश करी है और उसके साथ बैगन भरता बनाई थी मैंने। और अभी देखिए ये जो कपड़े हैं ना, मैं एक दो ठो रह गया था, तो जो मैं छत पे नहीं लेके गई थी वो यहाँ पर दे रही हूँ। और मेरे ना दोनों बेडरूम के साइड पे और बालकनी के साइड में ऐसे ही कपड़े देने के लिए जगह बना के रखी है, तो जिस दिन छत पे नहीं जाते हैं यहाँ पर ही हम लोग कपड़े सुखाने के लिए दे देते। गाइस तो हमारा लंच रेडी है, आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ लंच करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए राइस, फिश करी और बैगन भरता, और बेटू ये सब नहीं खाएगा, इसके लिए खिचड़ी बनाए थे तो वही वो खा रहा है। और हस्बैंड और मैं दोनों अभी बैठ के खाऊंगी, और हस्बैंड का तबीयत जो है थोड़ा सा अभी भी ख़राब है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो देखते हैं। एक एक्सरे और थायराइड टेस्ट के लिए भी बोला है, तो नहीं ठीक होगा तो जाएंगे ECG और थायराइड टेस्ट के लिए। तो अभी देखिए खाना हो गया था, तो यहाँ पर हस्बैंड भी बैठा था और पास में बेटू भी था। गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा था शाम का टाइम 5:30, तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर, एक दो तो सामान भी खरीदना है, और उसके साथ हम सोच रहे हैं कि गोलगप्पा खाएंगे। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। ऐसे तो कुर्ती पहन ली, एक स्वेटर पहनना है, एक मास्क लगाना है, बस मेरा दिया भी जलाना हो गया है शाम का, और अभी थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो जा रहे हैं गोलगप्पा खाने मैं और मेरे। आप लोग भी चलो हमारे साथ गोलगप्पा खाने के लिए। और हम लोग जो है अभी रास्ते पे, तो मेरा फ्रेंड जो है आप लोगों को हाई बोल रहा था, और आप लोगों को शायद ये रास्ता जानी पहचानी से लग रहा होगा। हम लोग जा रहे हैं बुधा मोड़, वहीं पे हम लोग गोलगप्पा खाएंगे। और रास्ते का हालत देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत ही बुरा हालत है, तो चलिए। और मैं ना थोड़ा ऐसे ही रेडी होके आ गई थी, एक स्वेटर पहनने और सिर्फ एक क्रीम लगाया था मुँह पे, तो अभी चलिए हम लोग जा रहे हैं। तो
उसके बाद ही फिर आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा यहाँ का रोड साइड गोलगप्पा। और वैसे तो रोड साइड गोलगप्पा खाने में मज़ा कुछ और ही है, मुझे तो बहुत ही पसंद है गोलगप्पा खाना। तो चलिए चलिए आप लोग भी चलिए गोलगप्पा खाने के लिए हमारे साथ। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, और ये जो अंकल आप लोग देख रहे हो इसी से हम लोग गोलगप्पा खाते हैं। ये ना बहुत ही अच्छा गोलगप्पा बनाते हैं, और हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, तो आप लोगों को वही मैं एक झलक दिखा रही थी। और ये यहाँ पर जो है हमारा गोलगप्पा भी रेडी हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर नहीं खाएंगे, घर पर जाके खाएंगे। तो चलिए घर जाते हैं, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। घर पे और क्या क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। चलिए, तो ये गोलगप्पा लेके आई हूँ, और ये अमूल ताजा है इधर, और ये ऑरेंज लेके आई हूँ। देखिए ये नागपुर का ऑरेंज है। तो चलिए अभी गोलगप्पा खाते हैं, आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ गोलगप्पा खाने के लिए, बहुत दिन बाद हम लोग गोलगप्पा खाएंगे। तो चलिए पहले रेडी कर लेते हैं। गाइस, तो गोलगप्पा जो है बिल्कुल रेडी है मुँह के अंदर जाने के लिए, और मुझसे नहीं इंतज़ार होगा सामने गोलगप्पा, और ऐसे कि मतलब मुझसे नहीं होगा, तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ गोलगप्पा खाने के लिए। और गोलगप्पा का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत दिनों के बाद खा रहे थे तो और भी अच्छा लग रहा था। और देखिए बेटू भी गोलगप्पा खाएगा हमारे साथ, और बेटू ना उसके पापा को मतलब बुला रहे थे कि पापा आ जाओ तुम भी हमारे साथ खाने के लिए, बट हस्बैंड का तबीयत ख़राब था इसलिए मैं नहीं खिलाई हूँ। फिर भी एक बार पूछा था, वो बोल रहा था कि नहीं खाना है। तो देखिए यहाँ पर माँ बेटा का दोनों का गोलगप्पा पार्टी हो रहा है हस्बैंड के बिना ही, और हमारा बेटू का देखिए ये जो है ना दोनों बच्चा दो साइड में है। तो अभी देखिए मैं ना एकदम नानी बन गई हूँ, मेरा बेटू का दो ठो बेटा साइड में है और मैं मिडिल में हूँ। तो बेटू अभी गया है, उसका थोड़ा सा मिर्चा लग गया था तो पानी पीने, तो और रात को तो और कुछ नहीं पकाना है, तो अभी जो खा रहे हैं लगता है डिनर भी नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं गोलगप्पा खाते खाते ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून।